ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतेगा, एशिया खेलों में गोल्ड मेडल जीतेगा, उसे 5 करोड़ रुपया की सहायता, 5 करोड़ रुपया देने की हमने बजट में घोषणा की है। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ रुपए की, और जो नेशनल में भी खेलों में प्रतिस्पर्धा में भाग लेगा उसकी डाइट मनी को भी हमने 120 से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति खिलाड़ी कर दिया गया है। अभी आप स्कूल के एज में जाते होंगे, प्राइमरी के बच्चे जाते होंगे, मीडियम माध्यमिक स्कूल के बच्चे जाते होंगे, सेकेंडरी के बच्चे जाते होंगे, आपको पहले 120 रुपए प्राप्त होते थे, हमने उसको बढ़ाकर 400 रुपया कर दिया है। अब आपके जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे खेलने जाएंगे उसे 400 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा, और अगर आप नेशनल में खेलने जाएंगे, अगर आप दिल्ली के बाहर नेशनल में खेलने जाते हैं तो हमने आपके लिए बाइलेन की सुविधा उपलब्ध करवाई है, और 500 रुपये प्रति डे के हिसाब से स्कूली बच्चों को खेलने के लिए और दूसरे बच्चों को खेलने के लिए हमने इस बजट में प्रावधान किया है। ये सब चीजें आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है। कई और क्रांतिकारी हमने बदलाव हिमाचल प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं। आने वाले 2-3 साल में राजीव गांधी जी डे बोर्डिंग स्कूल आ रहे हैं। अभी हमने एक्सेलेंस स्कूलों की 850 स्कूलों की लिस्ट हमने प्रकाशित की है। स्कूलों का मर्जर हो रहा है, क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में हम आगे बढ़े, इस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। आपको एक बात बताना चाहूंगा सभी बच्चों को, आप क्वालिटी एजुकेशन में, गुणात्मक शिक्षा में पूरे देश में 18वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। इसमें तालीम जाने की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें आप पहले स्थान पर कैसे पहुंचना है, हमारी सरकार उस दृष्टि से भी कार्य कर रही है। आप 2 साल के भीतर वो परिवर्तन को देखेंगे। और आज युवा दिवस है, और युवा दिवस में जब मैं खुद छात्र संगठन का अध्यक्ष था, उस समय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, पहले वोट देने का अधिकार 21 साल का हुआ करता था। इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए और युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राजीव गांधी जी ने 1987 में जो भी बच्चा 18 साल का होगा उसको वोट देने का अधिकार प्रावधान किया, और संविधान में अमेंडमेंट लाकर ये अधिकार हमारे युवा साथी को दिया। तो लोकतंत्र की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए आपको ये योगदान दिया है। आप आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है उन्हें भविष्य का हिमाचल कैसा होना है, ये सोच आपको भी विकसित करनी पड़ेगी। आपकी सोच के साथ हमारी सरकार, आपकी जो सोच है, आपके जो विचारों में परिवर्तन आ रहा है, आपके सामने नई टेक्नोलॉजी की जो चुनौती आ रही है, उस चुनौती से हमें निपटना पड़ेगा। ये चुनौती एक परिवार की नहीं है, ये समक्ष परिवार की है, हमारे अपने समाज की है। हम इस दृष्टि से भी कार्य कर रहे हैं। उसके लिए पैसे की जरूरत है, हम पैसों को भी समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने शिक्षा संस्थान हमारे एक्सीलेंस के जो बन रहे हैं 850, वो हम अच्छी क्वालिटी के अभी बनाने जा रहे हैं। अब समय दूर नहीं है, जिन नीतियों को हम लेकर आगे बढ़े हैं उन नीतियों के सहारे प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। और आज एड्स का दिवस भी है, एड्स में हमारी हिमाचल प्रदेश में जो हमारी संस्था है उसने काफी कंट्रोल किया है, सब प्रकार की दवाइयां हमें मुफ्त दी जा रही है, और मेरा मानना है कि हमारी सरकार ने इस ओर में और कार्य करने के लिए और गतिशीलता प्रदान करने के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में कैंसर के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान में 2रे नंबर पर पहुंचते जा रहे हैं।
हमारी सरकार ने पिछले दिनों कैंसर से संबंध में बैठक की और जो कैंसर के मरीज है उनको सभी प्रकार की दवाइयां जिसमें 40,000 रुपए का टीका भी उपलब्ध होता है और साल में वो 18 टीके लगते हैं, 7.5 लाख रुपए की दवाइयां कैंसर पीड़ित पेशेंट्स के लिए हम देने जा रहे हैं। लेकिन कैंसर क्यों हो रहा है, कैंसर के बढ़ने के कारण क्यों है और क्यों हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर, नॉर्थ ईस्ट के बाद दूसरे नंबर पर पहुंचा है, इसकी स्टडी के लिए भी हमने ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को लिखा है। लेकिन हमें अपने से भी एहतियात बरतना है, बरसात के समय हमें उबला हुआ पानी पीना है और कई जो स्प्रे कीटनाशक दवाएं हैं उनसे बचकर हमें आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से हमारे सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे थे और मैं चाहूंगा आप में से कुछ विधायक बने, कुछ MLA बने, कुछ मंत्री बने, क्योंकि राजनीति में आकर भी आप समाज की सेवा कर सकते हैं और कुछ मुख्यमंत्री बने। कोई भी चीज आपसे दूर नहीं, अगर मन की इच्छा शक्ति मजबूत है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो मैं एक आम परिवार से निकला, जो आप जैसे परिवार से निकला व्यक्ति है, जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकता हूं तो आप तो भविष्य की युवा पीढ़ी है जिसे सभी सुविधाएं मिल रही है, आपको पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा मानना है। और भविष्य में जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करे अधूरे मन से प्राप्त ना करे बल्कि तत्परता से, पूरी लगनशीलता से उस प्राप्ति की ओर मेहनत करके आगे बढ़े, यही मुझे आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कहना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद।